कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं, 2019 के बाद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि चार चार पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना, आपको पता है ना, वे जमानत पे है। कभी किसी ने सोचा होगा? और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग हैं, वो भी जेल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। ये महाशय भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते जो भी उनकी दुनिया रही होगी उसका फायदा उठा करके हर बार कोर्ट में जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, अगली डेट दे दो। और कोर्ट सरकार को कहती है कि फलानी तारीख तक उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, फिर दोबारा जाते हैं, फिर कोर्ट कहती है फलानी तारीख तक अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अरे कितने दिन तक कोर्ट से मदद लेते रहोगे? एक दिन न्याय निकलने वाला है और तुम भी जेल के सलाखों के पीछे हो गए।